हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम डीसी थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ा था। तो उसमें एक आया था, हमने पढ़ा था वी बराबर आई आर। तो ये क्या है? वोल्टेज है। ये क्या है? करेंट है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, इसी को हमने बोला था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो किसी भी चलो डेफिनेशन ही लिख लो। प्रतिरोध प्रतिरोध क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो किसी किसी पदार्थ में प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करे विरोध करे। इसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का सिंबल, इट मीन्स आपका जो क्या होता है, सिंबल क्या होता है? सिंबल, ये आपका सिंबल हो गया। यानी प्रतीक हो गया प्रतिरोध का, ठीक है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के नियम। इसका भी कुछ नियम होता है, इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्या है? प्रतिरोध का प्रतीक है, सिंबल है प्रतीक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इतना तक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्रतिरोध का नियम क्या क्या नियम है? प्रतिरोध का नियम किन किन चीज, इट मीन्स प्रतिरोध आपका किन किन चीजों पे निर्भर करता है? तो पहला इसमें लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उस उसकी लंबाई के
की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी ये लेंथ हो गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक नियम हमने पढ़ा यहाँ पे। इट मीन्स आप किसी भी कंडक्टर को, सपोज ये एक तार है, ये एक चालक है, ठीक है। तो ये एक चालक है, तो चालक के अगर आप लंबाई बढ़ाते हो, जितना लंबा चालक लोगे तो उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा किसी चालक का प्रतिरोध उसके कटांच क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई चालक है, ये एक चालक है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा, इसके एरिया के, यानी कटान क्षेत्रफल, ये इसका जो एरिया है, इट मीन्स इसका जो एरिया है, इसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। तो ये कट्टान क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो, गौर करो कि आप किसी भी चालक का एरिया जितना बढ़ाओगे, आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना कमेगा। अगर आप किसी चालक का एरिया क्या करोगे, घटाओगे, तो आपका प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ पे आप जितना बढ़ाओगे लेंथ, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये है। अब तीसरा जो नियम है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के किस्म अथवा अर्थात पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। तीसरा जो नियम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, ये तीन नियम है। तो इन तीनों नियम को अगर एक एक साथ समराइज किया जाए, तो जो आपका नया फॉर्मूला बनेगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो नया फॉर्मूला बनेगा, R बराबर रू इंटू एल बाई ए, ठीक है। ये आपका नया फॉर्मूला है।
यह इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका प्रतिरोध हो गया R। यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ R बराबर प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। L क्या है, चालक की लंबाई। ये क्या है, चालक की कटांच क्षेत्रफल, टांच क्षेत्रफल। और ये रो, इसे रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिरोधक, प्रतिरोध, प्रतिरोधक क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। अब सभी का यूनिट जान लेते हैं। आर का इसका ओम होता है, पहले भी पढ़ा है। एल का ये मीटर हो गया, और ए का क्या हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, और प्रतिरोधकता का क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, ओम सेंटीमीटर क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। देखो, नहीं तो आप यूनिट निकाल सकते हो, आपको सब पता है। तो यहाँ से आपको, अगर यहाँ पे मेन जो आपका यूनिट है इसका पूछा जाता है, आपको ये सब बेसिक पता होगा कि आर का रेजिस्टेंस का ओम होता है, एल का मीटर होता है। तो देखो, अगर रो का पूछा जाए तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो यहाँ से आप यूनिट निकाल लो, तो R का क्या हो गया, ओम हो गया। A का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और यहाँ से हम मीटर में रखें तो ओम मीटर होगा, और यहाँ से ये क्या है, मीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो ये बन गया रो का जो यूनिट आ गया, रो का इट मीन्स प्रतिरोधकता का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो क्या है, एक और प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, हर एक पदार्थ का अपना एक स्पेशल उसका कैरेक्टर होता है, वो उसका गुण होता है, ठीक है। तो पहले चलिए, जो अभी हमने पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, ये है कि किसी चालक का प्रतिरोध दस ओम है और
और उसकी लंबाई लंबाई पांच मीटर है और तथा कटान क्षेत्रफल 5, चलो कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस चालक का प्रतिरोधकता ज्ञात करें। प्रतिरोधकता ज्ञात करें। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध अगर 10 ओम दिया हुआ है, तो R बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 10 ओम जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लो। उसकी लंबाई L बराबर दिया हुआ है 5 मीटर और एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है इसका। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, जो 1 मीटर में एक दूसरा सेंटीमीटर में। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो या तो इसको मीटर में चेंज कर, चलो इसको सेंटीमीटर में ही हम चेंज कर देते। तो ये 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 500 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रो बराबर निकाल लोगे, रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से जो आपका निकलेगा आर कितना है, 10। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया आपको 10 दिया हुआ है और एल कितना है, 500। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये बच गया 1/5। ये क्या, इसका यूनिट क्या, तो इसका यूनिट ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 ओम सेंटीमीटर, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, किसी चालक की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी कटान क्षेत्रफल कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और चालक का प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता 10³ ओम सेंटीमीटर है, तो
चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। अब देखो इस बार आपको क्या कह रहा है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो आपको दिया क्या क्या है वो लिख लो। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है 15 मीटर। दूसरा एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चालक का प्रतिरोधकता दिया हुआ है, इतने से ये दिया हुआ है रो बराबर 10³ ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है आर, आर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको ये देखो एरिया आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी आपको सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। तो आर बराबर, मैं यहाँ लिखता हूँ, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल वाई ए। अब रो का वैल्यू कितना हुआ, 10³ इंटू एल का 1500 अपॉन एरिया कितना दिया हुआ, 10, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 1 10 कैंसिल आउट, तो ये बच गया 10^2। तो आपका जो टोटल हो गया कितना आ गया, 15 × 10⁴। अब ये 10⁴ कैसे, यहाँ पे 10⁴ छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 2 और 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। या तो आप सीधा गुना करके लिख दो, तो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे 15, ठीक है, इतना ओम हो जाएगा, इतना ओम आंसर। तो इसी तरह और भी न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रतिरोध का नियम ख़त्म होता है। कल हम शुरू करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, और फिर प्रतिरोध का जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उसका सीरीज और पैरेलल के बारे में। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।